दोस्तों गर्मी का सीजन चल रहा है और हम सभी को अपने घर में एसी तो लगवाना ही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि हमें भाई गर्मी को दूर भगाने के लिए एसी तो लगवाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा एसी ले, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने ज्यादा अलग अलग प्राइसिंग में आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि कौन सा एसी ले। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी के बारे में, वो भी आपके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए। हमने चूज किया है कैटेगरी 30,000 की। जी हाँ दोस्तों, 30,000 के अंदर बेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए इन दिस समर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटा शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई है और आपके लिए निकाले हैं टॉप 5 एसी अंडर 30,000 1 टन इन्वर्टर एसी के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि भाई कितने टन का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने स्टार का लेना चाहिए, 3 स्टार, 5 स्टार, कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको इन चीज आपके मन में सारे सवाल आ रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैंने इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और ये पूरा जो वीडियो है एसी बाइंग गाइड है, इस ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। अब यहां पे पहली जो एसी हमारे सामने मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट की है वो वोल्टास की 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी है। बात कर ले इस एसी के कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहां पे आपको कूलिंग बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है इस एसी के जरिए। इसी के साथ ही साथ यहां पे आपको 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर देखने को मिल जाएगा। बात कर ले यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसी के अंदर, उसकी सर्विसिंग और वारंटी के बारे में, तो यहां पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलेगी और 5 ईयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी देखने को मिल जाएगी। और यहां पे अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो YouTube पर, तो यहां पे मैंने इस एयर कंडीशन का एक डिटेल वीडियो बनाया था, वो फिलहाल 5 स्टार रेटिंग के साथ आता था, जो इसी की मैं बात कर रहा हूं वो 3 स्टार रेटिंग के साथ आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहां पे मैंने अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ कवर किया था। इसी के साथ ही साथ जब मैं बात कर रहा हूं इंस्टॉलेशन के बारे में, तो मैं वीडियो के अंत में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एक इंडियन कंज्यूमर के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इस एसी के प्राइसिंग के बारे में, तो ये एसी आपको मिल जाएगा 28,399 रुपीज का अमेजोन पे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। बेस्ट 1 टन की एसी की लिस्ट में जो हमारे पास दूसरी एसी मैंने आपके लिए जो फाइंड आउट की है वो है सैनियो का 1 टन 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर एसी। और यहाँ पे बात कर ले कुछ इसके खास फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ एक और स्पेशल फीचर आपको दिया गया है जो सैनियो कहता है उसको ग्लेशियर मोड। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है इंस्टेंट कूलिंग के लिए। मान लीजिए अगर आप ये एसी यूज़ कर रहे हो और उस समय आपको रूम गर्म है और आप बाहर से आ रहे हो, तो वो बटन दबाइए, वो मोड ऑन कीजिए और कूलिंग जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। स्पेशली वो उसी के लिए दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ बात कर लें यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगी और 5 ईयर्स का वारंटी दिया गया है कंप्रेसर पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई जो सैनियो ब्रांड है ये मतलब कौन सा ब्रांड है, आप लोग ने पैनासोनिक का नाम तो सुना ही होगा ना। पैनासोनिक जो ब्रांड है ये उसी का सब ब्रांड है, मतलब सब ब्रांड मतलब उसका समझ लो छोटा भाई, जैसे शाओमी का जैसा MI है, शाओमी का रेडमी है, वैसे ही पैनासोनिक का सैनियो है। तो यहाँ पे आपको सर्विस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाली है। और सैनियो के इस एसी की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसके रिमोट की, जहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले में LED बैकलाइटिंग देखने को मिल जाएगी, तो आजकल के बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है जहाँ पे आपको एसी के रिमोट में LED डिस्प्ले दिया गया है। तो ये और एक और पॉइंट हो जाएगा इस एसी को खरीदने का। ये एसी आप जरूर कंसीडर कीजिए और 2020 का मॉडल है। और बात कर ले इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो 29,000 रुपीज के आसपास आपको ये एसी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एडिशनल ऑफर भी मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के, तो वहां पे वो जरूर चेकआउट कीजिए, वो आपको काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और जहां पे आपके पैसे भी बच जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी की लिस्ट में हमारे पास जो तीसरी एसी है उसका नाम है हिताची का 1 टन इन्वर्टर एसी, और इसे हिताची कहता है चैंपियन इन्वर्टर।
ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, इस टर्म पे मत जाइए भूल के भी, ये एक इन्वर्टर एसी ही समझ के लीजिए। यहाँ पर भी आपको 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको फिल्टर क्लियर इंडिकेटर मिल जाता है, जहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाता है डिस्प्ले पे ही इसी के इंडोर यूनिट पे कि भाई इसको क्लियर करना है, या फिर एक इंडिकेशन आ जाता है इस एसी में। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात कर ले कुछ वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे, और 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है पीसीबी कंट्रोलर्स पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। कोई ब्रांड देता है, कोई ब्रांड नहीं देता है, तो यहाँ पे एक हिताची आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आ रहा है, जो आपको 10 ईयर्स की वारंटी दे रहा है कंप्रेसर पे और 5 ईयर्स पीसीबी पे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा इस एसी की, यहाँ पे आपको रिमोट में LED बैकलाइटिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही कम ब्रांड ये दे रहे, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको रिमोट में LED डिस्प्ले मिल जाए, क्योंकि आप रात में सो रहे हो। फिलहाल अभी मेरे पास जो AC पीछे लगा हुआ है इसमें LCD डिस्प्ले नहीं है, और जब मैं रात में इसको यूज़ करता हूँ और मुझे यूज़ करना है, तो उस समय समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा बटन दबाओ एक कौन सा नहीं, या फिर क्या चल रहा है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और हिताची की इस AC के बारे में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कोई भी फ्री सर्विसिंग नहीं मिलती। हालांकि काफ़ी ब्रांड्स आपको एक मतलब दो सर्विसिंग फ्री देते हैं, 1 ईयर के अंदर आपको यूटिलाइज करना होता है, लेकिन हिताची में आपको ये नहीं मिलता। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, लेकिन इसकी कूलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, इस AC को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो, और इसकी भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट 1-टन इन्वर्टर AC के बारे में। तो हमारे पास आपके लिए है डाइकिन की 1-टन इन्वर्टर AC, जहां पे आपको 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर देखने को मिल जाएगा। कूलिंग बहुत ही बढ़िया है इस AC की, और इसी के साथ ही साथ आपको स्टेबलाइजर इनसाइड ही मिल जाता है, तो आपको अलग से स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते जहां पे इलेक्ट्रिसिटी काफी फ्लक्चुएट होती है, तो इस समय आपको ये स्टेबलाइजर काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ ही साथ आपको एक इकोनो मोड मिल जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में मदद करता है। ये मुझे नहीं मालूम कितनी हद तक सही है, लेकिन ऐसा डाइकिन का मानना है। इसी के साथ ही साथ बात कर ले वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी मिल जाती है, और 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है पीसीबी कंट्रोल पर, और 10 ईयर की वारंटी मिल जाती है आपको कंप्रेसर पे। और बात कर ले यहाँ पे इस AC के स्टार रेटिंग के बारे में, तो ये 3-स्टार रेटिंग के साथ आता है। और जहाँ तक सवाल है इस AC के प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, 31,450 का आता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो, कुछ कार्ड वगैरह अप्लाई करते हो, तो आपको ये 30,000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो और बेस्ट 1-टन इन्वर्टर AC में हमारे पास जो लास्ट और 5th AC है आपके लिए, उसका नाम है ब्लू स्टार का 1-टन 3-स्टार इन्वर्टर AC। और यहाँ पे बात कर ले कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक स्पेशल फीचर है जो ब्लू स्टार कहता है उसको टर्बो मोड। यहाँ पे बेसिकली इंस्टेंट कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और बात कर ले यहाँ पे कुछ वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है प्रोडक्ट पे, इसी के साथ ही साथ 10 ईयर की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। और आगे बढ़े इसके बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये AC आपको मिल जाएगा तकरीबन 30,000 रुपीज के आसपास। सो दोस्तों, ये टॉप 5 AC हैं जो आज की तारीख में आपको कंसीडर करने चाहिए। इसके जो बाइंग लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी एयर कंडीशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस देने होते हैं, वो 750 रुपीज़ भी हो सकता है, 1500 रुपीज़ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का आप ले रहे हो, या फिर कभी कभी वो फ्री भी होता है। फ्री के चांसेस समझ लो 100 में 10% ही है, 90% आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। इसी के साथ ही साथ अगर आप कंप्रेसर के लिए ब्रैकेट लगा रहे, तो उसका भी चार्जेस कुछ 750 रुपीज़ या फिर 800 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कॉपर वायर अगर लग रहा है, तो उसको आपको 250 रुपीज़ पर फीट, या फिर बेस्ड ऑन सिटी लेते हैं, मुंबई सिटी की बात करो तो यहाँ पे 250 से 300 रुपीज़ के आसपास पर फीट का लेते हैं, पर मीटर का नहीं, पर फीट का लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जो ये AC लगा आप पीछे देख रहे हो, इसका मैंने खुद 2,500 से 3,000 रुपये दिए सिर्फ और सिर्फ कॉपर वायर के लिए, क्योंकि मेरा कंप्रेसर थोड़ा यहाँ से दूर था।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसी ले रहे हो तो एसी के कॉस्ट के साथ साथ ए कॉस्ट भी आपको कंसीडर करने चाहिए, जहां पे इंसुलेशन, एक्स्ट्रा कॉपर वायर, ब्रैकेट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही साथ आपके लिए मैंने बेस्ट रिकमेंडेड एसी जो होते हैं 1 टन, 1.5 और 2 टन के एसी की जो बाइंग लिंक है आपके हेल्प के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाके आप चेकआउट कीजिए और वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ आपको कोई भी सवाल, सुझाव, कोई भी राय हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको कोई भी ढंग से हेल्पफुल मिला है तो भाई एक लाइक ठोकना जरूर करके जाना लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।